दीवार कैसे हो सकती है। उन्होंने कितनी लंबाई है आपने नाप के देखी होगी? हमने इसको अपने हाथ से जो नापा है और बहुत सारे लोग आते हैं सुबह शाम तक तांता लगा रहता है, तो 4.5 फुट की बाल पिता लेकर लोगों ने इसका नापा है। अभी भी इलाहाबाद के लोग आए थे, उन्होंने जो है अपने हाथ से, बहुत बुजुर्ग आदमी थे, अपने हाथ से उन्होंने नापा था। उसने बोला कि 4.5 हाथ के। वो देखने के लिए आते हैं, खरीदने के लिए भी आते हैं? वो खरीद के एतबार चाहते हैं कि वो बोलते हैं कि इसमें समय 4 किलो चाहिए, 5 किलो चाहिए, 10 किलो चाहिए। इस तरह जो है तरह तरह से लोग आ रहे हैं और लोग इसका कह रहे हैं हमारे इसमें से बीज रखना। अच्छा, आपकी तरफ से कोई रेट है इसका? हमारी तरफ से अभी कुछ रेट तय नहीं हुआ है, बाकी ये है कि लोग अपनी तरफ से ऑफर कर रहे हैं। कहाँ तक लोग डिमांड कर रहे हैं इसकी? बस कल जो है परसों में एक आदमी आया था, उसने कहा कि हम जो है आपकी एक बाल के 100 रुपये दे सकते हैं। एक बाल के 100 रुपये? 100 रुपये दे सकते हैं जी। तो जितने भी बाल आप जो है इसमें से दे सकते हैं, हमने उससे मना कर दिया कि हम इसको पूरा पकाएंगे, इसका पूरे एवरेज निकालेंगे, पूरा केला में कितना बैठता है, उसके बाद में फिर इसको हमने जो है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसको बुकिंग के एतबार से हम करेंगे और फिर इसको लोगों किसानों के लिए ही हम देना चाहते हैं इसको। अच्छा। ना कि इसको बाजार में जो बेचना चाहते हैं। हाँ, कंपनी के लेवल पर बेचोगे? जी, कंपनी के लोग भी यहाँ आ रहे हैं, लेकिन हम उठाने के बाद में ही इसको पता लगा। इसकी सिंचाई कैसे की जाती है? सिंचाई तो इसे हमने पहले दिन से जो इसके अंदर फायरे लगा रखे हैं और बराबर चल रही है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है अल्लाह का एहसान है, बड़े अच्छी फसल है जी। तो सरकार या प्रशासन की तरफ से आपके लिए कोई प्रोत्साहन का मैसेज संदेश आया है? अभी तक हमारे पास में कोई नहीं आया। अच्छा, प्रशासन को इसके बारे में पता है अगर आप जानते हो तो? हमें इसके बारे में कोई इल्म नहीं है। अच्छा, ये प्रशासन इसके बारे में नहीं जानता जी, जी। और आप इसे आवाम के लिए बेचने, किसान भाइयों के लिए ही तैयार कर रहे हैं? जी जी। तो आप देख रहे थे जैसा कि सर ने बताया है कि वो कंपनी के लिए बेच सकते हैं और वो आम आदमी के लिए इसे बेचना पसंद करेंगे। ये प्रशासन को भी चाहिए कि इन्हें प्रोत्साहन राशि दी जा सके ताकि लोगों का ऐसी फसलों की तरफ रुझान बढ़ सके और घटती ज़मीन पर बढ़ती जनसंख्या की जो खाने की एक समस्या है, अनाज की कमी की समस्या है, उसे पूरा किया जा सके। किसानों को प्रोत्साहन से जो उनके मन में एक खुशी की लहर आती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे और देश के लिए ही नहीं विदेशों तक इस बाजरे की पूर्ति की जाएगी। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़, मैं साहिल खान कैमरामैन राकिब खान के साथ।